Howdy everyone, this is Asta Joshi and you're watching Learning Never Stops, and I'm finally back after quite some time. I mean, I don't think that I've stayed away from you all for this long, right? तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, but I'm back and today we're going to learn Ahista. This song is very special to me. I'll tell you the story about it at the end if you want to watch it. But ये song हाल फिलहाल में मैं बहुत ज़्यादा गुनगुना रही थी और उतने में ही मुझे request आई from Suvam and I was like, I have to do this because you know, जब कोई चीज़ दिमाग में जहन में चल रही होती है और कोई उसको बोलता भी है तो आपको समझ आता है कि ओके दिस इज टू बी डन. ओके एंड आई हैव गॉट दिस रिक्वेस्ट ऑफ दिस सॉन्ग फ्रॉम मेनी अदर पीपल इन द पास्ट एज वेल, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑन द टॉप ऑफ माई हेड. इस गाने के कॉर्ड्स बहुत ही ईजी हैं, मैंने बहुत पहले फिगर आउट कर लिए थे, बट बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल व्हेन आई वाज इन इंडिया आई कुड नॉट डू इट देयर. तो मैं आज आप लोग के साथ इसका ट्यूटोरियल शेयर करूंगी. इफ़ यू नो द कॉर्ड्स दे आर वेरी ईजी, इफ़ यू नो द स्ट्रमिंग पैटर्न, इट्स अ न्यू स्ट्रमिंग पैटर्न दैट आई एम यूजिंग. तो यू कैन स्किप इट एंड गो डायरेक्टली टू द लेसन. आई विल पुट द टाइम लाइन्स, अदरवाइज इफ यू वांट टू लर्न देन हियर वी गो. ओके सो एज आई सेड कॉर्ड्स बहुत ईजी हैं, दैट जस्ट द बेसिक कॉर्ड्स. But before learning the chords, let me tell you, I'm going to use a capo. I'm going to use the capo according to my pitch. मैं उसको first fret पे लगा रही हूँ. Now you can put it on the first fret, second fret, third fret, fourth fret. जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपकी पिच एज इन आपका सुर हाई होता जाएगा. ओके ऑल राइट, सो ये है. ओके दिस इज द वर्क ऑफ केपो. ओके नथिंग एल्स, बट इट जस्ट इंक्रीजेज योर स्केल. कॉर्ड्स हर जगह सेम रहेंगी, इवन इफ यू प्ले इट विदाउट द केपो और विद द केपो द कॉर्ड्स आर गोना बी एग्जैक्टली द सेम. सो हियर वी गो. द फर्स्ट कॉर्ड दैट वी गोना लर्न इज अ वेरी बेसिक कॉर्ड, अ वेरी ईजी कॉर्ड. दिस इज अ कॉर्ड सी. इट इज द फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ योर थर्ड फ्रेट. सी, यूज योर रिंग फिंगर. देन वी हैव कॉर्ड ए माइनर. जस्ट टेक योर मिडल फिंगर, पुट इट ऑन द फोर्थ स्ट्रिंग ऑफ योर सेकेंड फ्रेट. दिस बिकम्स ए माइनर. देन वी हैव एफ. डोंट लूज योर ए माइनर, कीप इट देयर एंड जस्ट टेक योर इंडेक्स फिंगर एंड पुट इट ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग ऑफ योर फर्स्ट फ्रेट एफ. आई कॉल इट द बनी फिंगर कॉर्ड बिकॉज यू लाइक हैव बनी फिंगर्स. एंड देन यू हैव, व्हाट एल्स यू हैव, यू हैव जी, द लास्ट कॉर्ड. वेरी ईजी. सो इट्स लाइक अ डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल. यू पुट योर इंडेक्स फिंगर on the third string of the second fret and your middle on the first string of the second fret and you take your ring finger and put it on the second string of the third fret. G. Okay? Alright, coming to the strumming pattern, it is easy. Alright? It is down, down, and then up, up, and then down, down, down. Okay? So it is down, down, up, up, down, down. Okay, one more time. Down, down, up, up, down, down, down. Change the chord. Down, down, up, up, down, down, down. F. Down, down, up, up, down, down, down. G. Down, down, up, up, down, down, down. Down. Okay, so this is the strumming pattern. बहुत ईजी है. नाउ इफ यू कैन नॉट डू इट ऑन दिस स्ट्रमिंग पैटर्न, यू कैन यूज आइलैंड स्ट्रमिंग एज वेल. आई विल गिव यू अ डेमो ऑफ आइलैंड. ओके सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द हमिंग पार्ट. ठीक है, सी से शुरू करेंगे. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट द सॉन्ग ऑलरेडी एंड जब फिर इस वीडियो को प्ले करो और ऊपर खट 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 अपने कॉर्ड्स लिखते रहो. दैट्स द इजिएस्ट वे ऑफ डूइंग इट, आई एम टेलिंग यू. और जब सॉन्ग लिखते हैं ना तो याद भी हो जाता है. सो थोड़ा सा मशक्कत, बट इट्स वर्थ इट. ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं फ्रॉम सी. सो डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, पूरा का पूरा एक स्ट्रमिंग पैटर्न ऑन सी. Change to A minor. Back to C. Now G. ठीक है, let's play it together. One, two, three, let's go. Mm-hmm.
अगर आप सरगम से बजाते हैं तो और आहिस्ता, ठीक है। अदरवाइज अगर आप और आहिस्ता से ही शुरू करते हैं तो सी पर और आहिस्ता, तो हम आहिस्ता से बजाना शुरू करेंगे। ओके, सी पर हम लोग आहिस्ता से आएंगे। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वी हैव टू फिनिश द होल स्ट्रमिंग पैटर्न ऑन वन कॉर्ड, ओके, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, स्विचिंग उस तरीके से होगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम और आहिस्ता, और आहिस्ता से विल स्टार्ट। ओके, और आहिस्ता के जी खाते ए माइनर बातें धड़कन, एंड देन सी मेको ये सुन रहा हाँ जी, वन मोर टाइम, और आहिस्ता के जी बातें धड़कन गिरने पे विल गो टू एफ, गिरने ना पाए होटो, एंड विल गो टू जी से वक्त, एंड देन विल गो टू ए माइनर के हाथ इनको जी चुन लेंगे, बैक टू सी आने रखते रखते पे सी रखते हैं ये, एंड देन जी दरो दीवार राज की एफ की सारी बात सुनेंगे जी, और आहिस्ता की जी बातें but or let's do it together from the top without any stop this particular paragraph. Oh, I love this song. One more time. See, aur aahista ke jin baatein dhadkan de koi sun raha hoga lafz girne na paaye honton se waqt ke haath inko रखते हैं ये दो दीपा राज की सारी बात सुने लेंगे, और आहिस्ता कीजिए बातें। ओके, नाउ कमिंग टू द पैराग्राफ पार्ट ऑफ द सॉन्ग्स, ऑल ऑफ देम गो एग्जैक्टली द सेम, सो आई विल डू वन ऑफ देम एंड रेस्ट यू कैन डू ऑन योर ओन। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एफ। ओके, आज इतने करीब सी आ जाओ, बैक टू एफ। ओके, दूरियों का कहीं निशाना रहे, आज इतने करीब आ जाओ, दूरियों का कहीं रहे ए माइनर कैसे एक दूसरे एफ में गुम हो जी जाए, ए माइनर फासला कोई दर में आ एफ नाउ टू जी ना रहे जाए, नाउ सिंगल स्ट्रम ना रहे जाए, और आहिस्ता। ठीक है, स्टार्ट अगेन। तो एक बार इस पैराग्राफ को करते हैं वन मोर टाइम टुगेदर विदाउट एनी स्टॉप, द कॉर्ड्स विल फ्लैश योर। ओके, टुगेदर, वन टू थ्री, लेट्स गो। आज इतने करीब आ जाओ, दूरियों का कहीं निशाना रहे, आज इतने करीब आ जाओ, दूरियों का कहीं निशाना रहे, ऐसे एक दूसरे में गुम हो
Now, just in case if you want to do it on island, अगर आपसे ये strumming pattern नहीं बज रहा है और island बज रहा है, island क्या होता है? Down, down, up, up, down, up. तो ये remember, just remember this कि island को आपको बहुत ही स्लो टेम्पो में बजाना है बिकॉज इट्स अ स्लो सॉन्ग. बाय टेम्पो आई मीन स्पीड. ओके, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. और आहिस्ता, ठीक है, तो ऐसे बजेगा आइलैंड में. आई थिंक बिकॉज आइलैंड इज अ स्मॉल स्ट्रमिंग पैटर्न, तो आइलैंड ऑलमोस्ट हर कॉर्ड में टू टाइम्स यू विल प्ले. ओके, एटलीस्ट टिल द टाइम योर सॉन्ग इज फिनिशिंग. इफ यू सिंगिंग इट इवन स्लोअर तो और लंबा खींचेगा. ओके, सो इट इज नॉट 2, 1, 3 कितने टाइम बजेगा, इट्स अबाउट हाउ लॉन्ग यूर स्ट्रेचिंग, हाउ स्लो यूर सिंगिंग. ओके, मज़ा ज़्यादा दूसरे स्ट्रम में आ रहा है. और अगर कोई और स्ट्रम आपके दिमाग में है, आपके दिल में है जो इसके साथ जा रहा है, कोई और कॉर्ड्स आपको समझ आ रही हैं, देन यूज़ देम. ये सब चीज़ें पत्थर पे लकी नहीं हैं. दे कैन बी वेरियस कॉर्ड प्रोग्रेशंस, दे कैन बी वेरियस स्ट्रमिंग पैटर्न्स दैट यू कैन यूज़. ओके, आई जस्ट शोड यू वन ऑफ द ईजिएस्ट वे दैट आई केम अलॉन्ग. ओके, सो या एक्सपेरिमेंट गाइज, you know, work on your skills, work on your efforts and you'll get there. It's very easy, it's a beautiful song. Iske piche ki kahani agar sunni hai, then stay tuned, otherwise just stop and go and practice the song. So apparently ye ringtone wala time tha, you know, dial tone, dialer tone, you know, phone pe aap phone tone set kar sakte the. If incoming call comes, so usko trin trin ki wajah gaana sunai dega. So me and my brother, we had set पहले हमने डैड के फ़ोन पे, अपना फ़ोन तो होता नहीं था, हमें तो कॉलेज में जाके फ़ोन मिला, बट डैड के फ़ोन पे हमने पहले डाला था बुला के जाना मैं कौन, एंड उसके बाद हमने सेट करा ये वाला आहिस्ता कीजिए बातें, एंड देन दिस प्रॉब्ली स्टेड एज डैड्स डायलर टोन फॉर अबाउट अ डेकेड. ओके, फिर बाद में वो डायल टोन का शायद वही चला गया, वो अपने आप ही बंद हुई होगी, हमने नहीं उसको डीएक्टिवेट करा, और डैड ने करा होगा तो मुझे नहीं पता, बट इट स्टेड हिज रिंगटोन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड आई लव दिस सॉन्ग, ब्यूटिफुल, सूदिंग, द वीडियो इज सो ब्यूटिफुल. पंकज उदास इज एन अमेजिंग, आई लव हिज चिट्ठी आई है, आई लव हिज चांदी जैसा रंग है. आई विल ट्राई दीज सॉन्ग्स, आई विल ट्राई एटलीस्ट चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल. ओह, आई लव दैट सॉन्ग, गज़ल. सो या, I'll be trying a few more of his songs whenever time permits. ठीक है, आप लोगों का कोई request है तो I'm back. Please do comment and let me know. I get so many of requests, so many of them, that sometimes, you know, they're just slipping away. So I want to say sorry to you. And I'm really sorry that I was not there for that period of time. But I had a great, great, great time back home. I met family, I met friends, and it was amazing. It was an amazing, I feel rejuvenated, really. Okay, I'm a bit tired, mere chehre pe 12 baje mein aap logo ko dikhi raha hoga, but yeah, I just could not stay away from you guys. So that's it for today's tutorial, for today's video. Bahut sari baatein kari hain maine, mujhe pata hai, kyunki man kar raha tha. So yeah, I will see you next time. Until then, adios amigos and amigas, let's have a good time together and Merry Christmas.